वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े नए स्टाइल से पिज़्ज़ा क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले हम सबसे पहले चूल्हा ऑन कर देते हैं। मीडियम हाई पे हमने रखा है। यहाँ हमारे पास बड़ा मुन्ना सा क्यूट सा पैन है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और उसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम्स आधा पाउंड चिकन ब्रेस्ट जो कि हमने बारीक बारीक स्लाइसेस कर लिए इसकी, ये डाल देते हैं। चले इसका कलर चेंज होता है जब तक हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं। इस मरतबा हमने बड़े डिफरेंट किस्म के सीजनिंग ली है और डिफरेंट वेजिटेबल्स लिए है। आप भी क्रिएटिव होकर अपनी पसंद की ले सकते हैं। देखें यहाँ मेरे पास कुछ मशरूम्स हैं, अगर आपको पसंद हो तो इसमें इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मैंने मशरूम ले लिए जो कि शिटाकी है और तकरीबन 1 कप के आसपास है। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। शिटाकी मशरूम जो है उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है और टेस्ट भी और फ्लेवर भी ज़्यादा है अच्छा। लेकिन आप जो चाहे आपकी पसंद के ले सकते हैं, ना डालना चाहे तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, ना डालें। चले हमारी चिकन जो है वो सिजल हो रही है, हम इसको थोड़े उलटते पुलटते। हमने एक बारीक बारीक इसलिए भी किए हैं कि झटपट ज़बरदस्त से जल्दी जल्दी बन जाए, कुकिंग टाइम किसी में भी ज़्यादा लगे ही ना। भाई सब कह रहे हैं भाई रमज़ान आ रहे हैं, तैयारी करनी है तो झटपट वाली फास्ट फास्ट छोटी छोटी चीज़ें कटी भी होगी तो जल्दी जल्दी पकेंगी। चलें ये अब हर जगह से अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाएगा जब तक हम अपनी कटिंग कंटिन्यू रखते हैं। देखिए ये ऑलमोस्ट इवन पीसेस हो गए हैं। अब इसको हम अपने एक बोल में डाल देते हैं। पहले ज़रा सा हम अपनी चिकन को हिला लेते हैं। अब हम अपने बोल में डाल देते हैं मशरूम्स को। चलो अब हमारी चिकन में हम थोड़ी सीजनिंग डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा तो कुछ डालना नहीं है, जो थोड़ा बहुत वो डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपने मेरी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ डालती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ा झटपट घर में ज़बरदस्त सा बन जाएगा। तो चले अब हम इसको हिला लेते हैं। और अब हम इसको कवर करके 5-6 मिनट के लिए पकाते हैं, चूल्हे को मीडियम कर देते हैं और जब तक हम अपनी चॉपिंग कंटिन्यू रखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ स्वीट पेपर्स हैं, ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती, बेल पेपर जैसी ही होती है। अगर आपके पास बेल पेपर हो तो वो डाल दें और अगर आपके पास ये हो तो ये डाल दें। बेसिकली हमें तेज़ नहीं चाहिए और ना हो तो ना डालें, क्योंकि कलर के लिए हम डाल रहे हैं। आप गाजर भी डाल सकते हैं छोटा छोटा काट के। ये भी हम अपने बोल में डाल देंगे। चलिए अब हरी प्याज कर लेते हैं। 3 हरी प्याज लिए हमने और इसको भी काट देंगे। ये वाले स्प्रिंग रोल जो है ये बच्चों को बड़े पसंद आएंगे क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा की फ्लेवरिंग है, पिज़्ज़ा की टॉपिंग जैसा है और थोड़ा हटके बनेगा तो आप लोगों को फ्लेवर भी चेंज मिलेगा। फ्रीज़र में बना के रख दें मज़े से और फिर जब दिल चाहे तल के खाएं, लाइफ मज़ेदार। चले इसको भी डाल देते हैं। चले रेड रेड ग्रीन ग्रीन चला गया, मज़ेदार खूबसूरत सा। अब इसमें हम डालेंगे भुट्टा जो कि हमने 1/2 कप लिया है, हमारा फ्रोज़न है तो वो हम लेके डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो आप बॉइल करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे
एक कप चीज, हमारी मिक्स है चेडर एंड मोजरेला, आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं। और द गुड थिंग, आपको ना डालना हो तो आप ना डालें, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद है तो डाल दें, जितनी डालना हो डालें। तो ये मैं एक कप डाल रही हूँ, और इसमें हम डालेंगे, क्योंकि हम पिज़्ज़ा क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बना रहे हैं ना, तो ऑरिगनो जाएगा। तो ये देखें, हमारे पास आधा टीस्पून ऑरिगनो है, एक टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, एक टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, ये चली गई। बच्चों के लिए बना रहे हैं, तेज ना बनाना और ना बनाए। चले अब हम अपनी चिकन को देख लेते हैं। ये देखें चिकन कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है, ये देखें बेहतरीन सी पक गई है हमारी चिकन, 6 मिनट हो गई है। और अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं। चलिए इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, जब तक हम आटे की लई बना लेते हैं। ये देखें हमारे पास 1 टेबलस्पून मैदा है, आप आटा भी ले सकते हैं चाहे तो। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना लेंगे। चले ये रेडी हो गया, इसको अब हम किनारे कर देते हैं। देखें हमारी चिकन ठंडी हो गई है, अब इसको हम काट लेते हैं। अब इसको हम बारीक बारीक कर लेते हैं। आपका जितना दिल चाहे पीस रख सकते हैं, ज़्यादा बारीक भी कर सकते हैं, थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं मीडियम सा रखूंगी, ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटा। चले ये अच्छे से हो गया, अब हम इसे अपने बोल में डाल देते हैं। चले अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। वेजिटेबल्स जो है वो हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह है कि जब हम फ्राई करते हैं ना तो वो उसमें ही अच्छी सी बन जाएगी। अगर चूल्हे पे बनाएंगे तो फिर ज़्यादा क्रिस्पी रहेगी नहीं और थोड़ी नरम हो जाएगी। चले ये अच्छे से मिक्स हो गया हमारा, और अब हम इसको किनारे पे करते हैं। और आपको पता है, याद है जब हमने समोसे की शीट्स बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है हमारे समोसे की रैपर की रेसिपी तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ा मज़ेदार सा है। ये वही है जो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, अब उसी से हम बनाएंगे। देखें हम थोड़े से रैपर निकाल लेते हैं बाहर ताकि सूख ना जाए, आप चाहें तो गीले कपड़े के साथ भी रख सकते हैं। थोड़े थोड़े लेंगे, अंदर रखेंगे और फिर बनाते जाएंगे। तो एक शीट लेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे डायमंड के स्टाइल से, और एक भर कर ये चम्मच लेंगे और उसको हम सेंटर में डाल देंगे। सेंटर में डालने के बाद आसपास का पहले मोड़ेंगे। ये देखें आसपास का मोड़ने से क्या है कि लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल हो जाती है, कुछ मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। अब ये तिकोन जो है इसको हम टाइट बंद करेंगे ऊपर की तरफ, और ये मसाला सारा लेते जाएंगे और इसको पूरा फोल्ड करने के बाद यहाँ हमारी लई लगाएंगे सिर्फ एक जगह। ये देखें ये, और ये देखें ये हमारा रोल बन गया झटपट ज़बरदस्त सा। बस इसी तरह हम लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे, डायमंड शेप में रखेंगे। एक चम्मच लेंगे, इसको यहाँ हम डालेंगे, आप चाहे तो कम डालें चाहे तो ज़्यादा डालें, जैसा आपका दिल चाहे। आस पास से पहले मोड़ेंगे, इससे ये सिक्योर हो गया, फिर इसको मोड़ेंगे। इसको मोड़ने के बाद हम दबाते जाएंगे और इसको गोल गोल करते जाएंगे, एंड में बस एक जगह लही लगा देंगे। ये देखें ये देखें, इस तरह से झटपट ज़बरदस्त से बनाएंगे। चले ये हमारा लास्ट भी हो गया। अब हमारे पास यहाँ एक छोटा सा पैन रखा हुआ है, इसके अंदर ऑयल है, उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम पे ऑन करते हैं। और हम आपको बताते हैं कि आप इसको फ्रीज़ कैसे करेंगे। अगर देखिए क्वांटिटी में आप कर रहे हैं बहुत सारे, तब मैं सजेस्ट करूँगी कि ये जैसे आपने बनाया ना तो सिंगल लेयर में रखा हुआ है, ऊपर ऊपर नहीं,
तो उसको आप इसी तरह प्लेट में या ट्रे में फ्रीज़र में रख दें, ओपन बिल्कुल, और 2-3 घंटे के बाद जब वो सख्त हो जाएं तब आप इसको ज़िपलॉक बैग में डालें। और अगर आप छोटी क्वांटिटी में बना रहे हैं तब आप डायरेक्ट इसको ज़िपलॉक बैग में डाल सकते हैं, जैसे ये हम डाल रहे हैं, 6 अभी तलेंगे और 4 जो है वो हम फ्रीज़ कर देंगे। तो ये इस तरह से डाल देंगे। वो रीज़न क्या है पता है फ्रीज़र में पहले डाल देने का खुला, इसकी वजह ये है कि जब बहुत क्वांटिटी में होता है और हम बैग भर के रख देते हैं ना, तो वो क्या होता है आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने लगते हैं और फ्रीज़ होते हैं। जब हमें बनाना होता है तो हम यूँ खोल खोल के निकाल रहे होते हैं तो डैमेज हो जाते हैं, फिर वो ऑयल भी ख़राब हो जाता है, वो ख़ुद भी ख़राब हो जाता है। खुले सूखेंगे, सख्त हो जाएंगे, उसके बाद आप 100 भी रख लेंगे ना एक साथ फ्रीज़र में, एक ही बैग में, तब भी कोई मसला नहीं होगा। तो चलें इसको अब हम डालते हैं। तो ये 4 को अब हम इस तरह फ्रीज़ कर देंगे और ये जो है हम तल लेंगे। अब तलने से पहले हम एक काम करते हैं कि हमने एक तलने में भी एक ट्विस्ट रखा हुआ है, वैरायटी रखी हुई है। यहाँ देखें हमारे पास ब्रेड क्रम्स है और यहाँ पर एक है अंडा। अब अंडा जो नहीं खाते हैं उनके लिए सब्स्टिट्यूट ये है कि आप कॉर्न स्टार्च को घोल लें, उसमें डिप कर लें, अदरवाइज़ हल्का सा मैदा डाल के, पानी डाल के वो घोल लें, अंडे का सब्स्टिट्यूट अगर जिसको ना खाना हो तो। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, अच्छा खासा रोल बन गए थे, ये अंडा क्यों फेंट रही है, पहले फेंटना चाहिए था लई की जगह पे। लेकिन हमारे पास यहाँ एक ट्विस्ट है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा और एक हल्का सा फ़र्क आ जाएगा चीज़ में। चलिए ये अच्छा सा फिट गया, अब ये हम रोल लेंगे, अंडे में डिप करेंगे और अंडे में डिप करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। कोई से भी आप ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं, मेरा पैंको है लेकिन आपको जो लेना हो ले लें। ये देखें अच्छे से लगा लिए हमने और अब हम इसको रखते जाएंगे। चलें इसी तरह अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करके और रेडी करते हैं। हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, जब तक ये हमारे सब रेडी हो जाएंगे। चल ये तो हमारे सब हो गए अच्छे से, देखें हल्की हल्की हीट आ रही है हमारे ऑयल की, तो बस ये रेडी है। बहुत ज़्यादा धुआं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और मीडियम पे ही रखना है, ठीक है। तो चलें जो हमने पहला ब्रेड क्रम्स लगाया था उसको हम पहले डालेंगे। अच्छा देखें अब आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, आप ब्रेड क्रम्स और अंडे वाला एक अलग सा टेक्सचर और क्रिस्पीनेस बना के भी खा सकते हैं, और अगर आपको आधे ऐसे ही छोड़ देने हैं जैसे कि हम फ्राई करते हैं वैसे भी बना के खा सकते हैं। 2-2 ऑप्शन है, बच्चों को ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ये भी बना दें। देखिए हल्का हल्का नीचे बादामी हो गया है, तो अब हम इसको देखते हैं। बस देखें 2 मिनट ही लगे हमारे एक साइड को होने में, इसी तरह हम 2 मिनट अदर साइड करके निकाल लेंगे। देखिए 2 मिनट हो गई है, बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से हो गए हैं, देखा आपने कितना लुक इसका डिफरेंट लग रहा है और इसका क्रस्ट भी बहुत डिफरेंट लगेगा। बस अब हम 1 मिनट ठहरेंगे और ये वाले डालेंगे, इससे क्या होगा वही वाला टेम्परेचर आ जाएगा जो हमारा था, ठीक है। चलिए ये होता है जब तक हम अपनी प्लेटिंग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम सॉस डालते हैं, अब फिर हम अपना क्रिस्पी करारे रोल रखते हैं और एक हम आपको काट के दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखें, चले ये भी हो गए हमारे, निकाल लेते हैं हम। देखा कैसे झटपट हमने अपने रोल बना लिए ज़बरदस्त किस्म के और फिर फ्रीज़ भी कर दिए। अब आप लोग बनाएं जल्दी जल्दी और इसको फ्रीज़ भी करें, इस स्टाइल से भी बनाएं, बिना डिप किए हुए भी बनाएं, अंडों के और क्रम्स के अलग अलग एकदम टेक्सचर और मज़ा होगा। मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। इस कदर पिज़्ज़ा जैसा ही लग रहा है और जो मैंने सॉस जिसमें डिप किया ना वो पिज़्ज़ा सॉस हमारा था ना वही है। ज़रा सा इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसको हिला लें,
और जब आप वो डिप करके खाएंगे तो वो मैरिनारा सॉस बन जाएगा और मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। इसकी स्टफिंग जो है इस कदर डिफरेंट है, ऐसा लग रहा है क्रिस्पी क्रंची पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं। मुझे तो कोई बच्चा चाहिए, छोड़ा पकड़ो उसको, जोई स्कूल गई है और खिलाओ, खुश हो जाएगा बच्चा। तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा और एक बिल्कुल नए पन के साथ रोल्स बन जाएंगे। चलें जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।